भोजपुरी के आन बान शान और आपके लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय पवन सिंह जी आपको संबोधित करेंगे और बड़े यश के साथ आप पवन सिंह को सुने, जोरदार ताली बजाइए लोकप्रियता के साथ। और आप सबने जो प्यार दुलार दिया है मंच को गरिमामय परंपरा को आत्मसात करते हुए, गरीबों के लिए मसीहा और हम सबों के बड़े भाई विक्रमगंज चौक पे जैसे ही हम सब जाते हैं तो हमारा हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। यशस्विता के ऐसे स्वरूप आदरणीय कविंदर बाबू हम सबों के बीच में हैं। डॉक्टर साहब के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए, वो हम सबों के बीच में उपस्थित हुए हैं। हम सबों के बीच में मुखिया संघ के अध्यक्ष भाई जोगिंदर जी, जिनके सस्मिता जिनका प्रतीक और आजकल पवन जी के प्रति जो आभार उनका है उसके प्रति हम सब आभार व्यक्त करते हैं। कड़ी मेहनत कर रहे हैं और बहुत बहुत आभार आपका। और इसके बाद हमारे लड्डू खान साहब हैं, चाचा मूछ वाले बैठे हैं, उनकी मूछ को देखने के बाद कुंवर सिंह की याद ताजा हो जाती है। और यकीन और सैनिक है रिटायर, तो वो रिटायर्ड कैसे हो सकते हैं। जितना बड़ा यह भाव है उतना बड़ा कुछ भी नहीं, जितना अड़ा यह भाव है उतना अड़ा कुछ भी नहीं। आज एक सैनिक को देख करके लगा इस देश से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और बोची सिंह जी हैं, सोन महोत्सव कराते कराते पवन जी के प्रति जो इनका उत्तरदायित्व है उसको बखूबी निभाते हुए बोची सिंह जी देखने में छोटे कद के हैं लेकिन लाल बहादुर शास्त्री हैं उनके टीम के। तो ऐसे बोची सिंह जी बहुत प्यार के साथ बड़े बलवार के साथ आप सबके साथ चल रहे हैं। और इसके बीच में अमित जी जो कि हम सबों के बड़े प्रिय, खड़े हो जाइए, वो हमारे काराकाट के प्रभारी भी हैं और इन्होंने बड़े यश के साथ, इन दोनों ने बड़े महत्व के साथ, बोची सिंह जी हैं, जरा आप ही आभार व्यक्त कीजिए। बहुत भारी तो एक बार जोरदार ताली बजा करके शुभ लाभ यानी जुगल चोरी का हम सम्मान कर रहे हैं। प्लीज छोटे भाई हैं और जितने लोग हैं हमारे लड्डू भैया जो फिल्म प्रोड्यूसर, जरा खड़े हो जाइए जो पवन जी की फिल्म लगातार बना रहे हैं। अब यशस्विता के प्रतीक भोजपुरी के आन बान शान और आपके लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय पवन सिंह जी आपको संबोधित करेंगे और बड़े यश के साथ आप पवन सिंह को सुने, जोरदार ताली बजाइए लोकप्रियता के सबसे बड़े आपके चले थे आदरणीय पवन सिंह जी। बढ़ावा हो भैया, लेपाल हवाई बढ़ावा हो, बाबू हेलो 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 सारे भाइयों के लिए, सारे भाइयों के लिए मेरा दुआ है, मेरे भाई सब तो आइए। अब ये तो अभी वीडियो कॉलिंग में आएंगे भी और इतना दौरा उन्होंने इस क्षेत्र में किया है, उधर के लोगों ने भी कहा कि हमारे तरफ भी आइए तो आप समझ सकते हैं प्रत्याशी के लिए मुश्किल हालात क्या है। सबके चहेते हैं, सब कोई उन्हें चाह रहा है। तो बड़े एफसीआई के मैनेजर साहब सुधांशु बाबू भी हमारे बीच में है, उनका आभार व्यक्त करते हैं। बस दो पंक्तियों के साथ आप खेल शानदार के लिए, जाने मेरे कितने छल और कितने पाप छुपाए हैं अपने अंतस में, मेरे जो सब संताप छुपाए हैं, जिनके दिनों रात हुए मेरे आंसू मुस्कानों से, पत्थर ही हीरा बन के चमका है जिनके वरदानों से, जननी और जनक के उन पावन चरणों का वंदन है। काराकाट के लोगों का अभिनंदन, बिहार की राजनीति का अभिनंदन है। आप अपने सम्मान में जोरदार ताली बजाइए, जो व्यक्ति पवन सिंह के लिए लोगों को छोड़े और हर धर्म हर जाति के लोग मेहनत करके जहां से रहे, अब राय देने का वक्त नहीं है, सलाह देने का वक्त नहीं है, अब वक्त है पवन सिंह के लिए आपको जुड़ जाने का, उन्हें प्यार देने का, उनके प्रति सम्मान देने का और काराकाट
से उन्हें विजयी बनाने का, तो एक बार जोरदार ताली बजाइए और वो बड़ा कप जो लेकर के जाएगा। ये सब कप हमारी मेहनत का है, आपके सम्मान का है, और मंच आसन जितने विभूतियां बैठी है वो विभूतियां कायरता को छक्के में पटकने वाली है, क्योंकि कायरता जिस चेहरे का श्रृंगार करती है मक्खी भी उस चेहरे पर बैठने से इनकार करती है। तो वीर लोग है, खेल और खिलाड़ी वीरता का प्रतीक है। तो विजय भाई जो दैनिक भास्कर के पत्रकार है, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। कुछ आचार संहिताएं भी हैं, जब इशू हो जाता है, लेटर इशू हो जाता है, तब उसकी घोषणा होती है। बहुत बहुत आभार हम सब। एक बार जोरदार ताली बजाए कमांडर डॉक्टर साहब और सब लोग मिल करके आए। संजय भाई है तो महबूबी सिंह जी, अमित बाबू, लड्डू जी, एक बार आप सब लोग आसन से खड़े हो जाइए जितने लोग हैं, और डॉक्टर साहब, जोगिंदर भाई, और एक बार मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार पवन सिंह जी आपको देख रहे हैं, जोरदार ताली बजा के सम्मान दीजिए। खेल आप जारी रखें। बहुत बहुत आभार।